गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ेंगे। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में दो फंक्शंस का मल्टीपल पढ़ा था डिफरेंशिएशन, उसी तरह से इंटीग्रेशन, दो फंक्शंस अगर आपको दिए हों तो उनका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। यहाँ u को एफ एक्स और v को जी एक्स माना गया है, तो उनका इंटीग्रेशन होगा u इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स, यानी फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। मीन्स फर्स्ट फंक्शन का आप यहाँ पे क्या, फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे सेकेंड फंक्शन का, माइनस लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे और फिर टोटल का जो भी वैल्यू आएगी उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन चूज कैसे करेंगे, आइलेट फॉर्म में चूज करेंगे। यानी फर्स्ट फंक्शन अगर आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है तो आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, दूसरा फंक्शन आपका सेकंड हो जाएगा। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं दिया है, लॉगरिथमिक फंक्शन उसमें आ रहा है दोनों फंक्शन में, तो लॉगरिथमिक फंक्शन आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और दूसरा आपका अदर फंक्शन हो जाएगा। अगर लॉगरिथमिक फंक्शन भी नहीं आ रहा है दोनों फंक्शन में, यू और वी में, अलजेब्रिक आ रहा है कोई एक फंक्शन, तो अलजेब्रिक आपका फर्स्ट हो जाएगा, अदर फंक्शन आपका कोई भी हो जाएगा। और ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक, अगर ये चारों नहीं आ रहे, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल सेकंड फंक्शन, यानी आइलेट के फॉर्म में चूज करेंगे। यहाँ एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सरसाइज का जो कि क्वेश्चन है फर्स्ट, इसमें लिखा है एक्स इंटू ई पावर एक्स का हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन। अब एक्स आप देखेंगे अलजेब्रिक फंक्शन है, ई पावर एक्स आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आइलेट में जब आप देखेंगे तो अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, तो अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड फंक्शन मानेंगे। यानी ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो अब इंटीग्रेशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। एक्स नोट कर लिया, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x, तो 1 इंटू e पावर x आएगा, टोटल का इंटीग्रेशन करेंगे e पावर x आता है, यहाँ x e पावर x है ही। अब दोनों में हम e पावर x कॉमन भी ले सकते हैं, x माइनस 1 e पावर x प्लस c आ जाएगा। ओके,